नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फार्मिंग इंडिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दो भैंसें दिखाने जा रहे हैं जो कि सेल के लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम आपको इनका जो नाम पता है वह बता दें। तो सर, आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। रणवीर सिंह और जिला। तो सर बता दें कि जो यदि बाहर से लेने वाला ग्राहक है वह झांसी से लगभग 80 किलोमीटर दूर जो ओरछा से निवाड़ी पृथ्वी पर होते हुए रोड आया है, वहाँ पर इनका गांव है और मेन रोड पर ही इनका फार्म स्थित है। आपको बता दें, दो बहुत ही अच्छी भैंसें सेल के लिए अवेलेबल हैं। आप जो यह पहली भैंस देख रहे हैं, तो सर बताइए कि यह कौन से ब्यात की भैंस है और भी इसे कौन सी बार बच्चा देना है? तीसरी बार बच्चा देगी। अच्छा। दो बार ब्याह चुकी है। अच्छा। अपना 8 लीटर दूध है। अच्छा, एक टाइम का, दूसरी बार में एक टाइम का 8 लीटर दूध। 8 लीटर दूध, दोनों टाइम का 16 लीटर दूध। अच्छा, तो आपको इसकी अदर क्वालिटी बता दें थोड़ी। अभी भैंस को ब्याने में लगभग 1.5 से 2 महीने रह गए होंगे। 1.5 महीना रह गया है अभी भैंस को ब्याने में। आपको इसके जो पीठ पिट्टे की चौड़ाई है वह दिखा दें, और सींग भी बिल्कुल गोल, बहुत ही अच्छी फुल हैवी बॉडी वेट के साथ भैंस है। आप उसके थन वगैरह भी देख सकते हैं। अभी भैंस ने अडर बनाना चालू नहीं किया है क्योंकि अभी इसको ब्याने में लगभग 1.5 महीने का समय रह गया है। आप देख सकते हैं बढ़िया बॉडी वेट के साथ जो छोटे कद की भैंस रहती है वह है, और इसने जो सेकंड लैक्टेशन में है वह 16 लीटर दूध दिया है, और अभी इसे थर्ड बार बच्चा देना है। तो सर, इसकी कीमत बताइए कि इसकी जो फिक्स प्राइस है वह कितनी है? ऐसे तो हमें 1,10,000 मांग रहे हैं, लेकिन 95 के ऊपर नीचे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। 95 तक छोड़ेंगे। तो आपको बता दें कि इसकी जो प्राइस है वह 95,000 है, और आप देख सकते हैं बढ़िया ही बहुत ही टॉप की हैवी फुल वेट के साथ भैंस 95,000 में सेल के लिए अवेलेबल है। और अभी इसको बच्चा देने में 1.5 महीना रह गया है, और इसने जो दूसरी बार में है वह 16 लीटर दूध दिया है। तो सर, आप अपनी जो दूसरी भैंस है वह भी दिखाएं थोड़ी, जो हमारे दर्शक हैं यदि कोई भाई दो भैंस साथ में खरीदना चाहता है तो वह भी खरीद सकता है। तो सबसे पहले आप बताएं कि आपकी यह भैंस कौन से ब्यात में है और अभी इसे कौन सी बार बच्चा देना है? इसको भी तीसरी बार बच्चा देना है। और अपने दो बार भी दे चुकी है। अच्छा। और एक टाइम में 6 लीटर दूध देती है। अच्छा, यानी इसने दूसरी बार में दिन का 12 लीटर दूध दिया है और अब इसे तीसरी बार बच्चा देना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं पीठ पुट्टे की चौड़ाई बढ़िया, थन पांसे के साथ यह भैंस भी सेल के लिए अवेलेबल है। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यह कब तक बच्चा देगी? इसको लगभग 3 महीने लग जाएगा। अच्छा, 3 महीने हैं बच्चा देने में, और लगभग ड्राई भी आपने इसको दूध से भी अभी छोड़ा है कुछ ही दिन पहले। जी हाँ, अभी भी एक टाइम दूध दे रही है। अच्छा, अभी एक टाइम दूध दे रही है। कितना दूध देती है अभी? अभी तो 2.5 लीटर दूध दे रही है। अच्छा, हाँ हाँ, माने 3 महीने रह गए हैं इसको बच्चा देने, और इसे तीसरी बार बच्चा देना है। दोस्तों, आपको इसके सींग की क्वालिटी दिखा दें, बढ़िया ही गोल सींग में भैंस, बहुत ही अच्छी जो छोटी भैंस होती है हल्के कद वाली सेल के लिए अवेलेबल हैं। तो सर, इसका जो एक जायज सा रेट है वह भी हम जानना चाहेंगे। जिसको हम 70,000 में सुने। 70,000 इसकी जो आपको बता दें फिक्स प्राइस है वह 70,000 है, और यदि कोई भाई आके मौके पर थोड़ा बहुत कम करेगा तो हो जाएगा या फिक्स प्राइस है? जी, इसकी तो फिक्स प्राइस है, उसकी भी फिक्स प्राइस है। हाँ, अगर दोनों एक साथ लेते हैं तो 5,000 कम। अच्छा, हाँ, तो सर का कहना है कि यदि कोई भाई दोनों भैंस एक साथ लेगा तो थोड़ा बहुत रेट कम कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको दिखा दें, बहुत ही शानदार दोनों भैंस सेल के लिए अवेलेबल हैं। आपको बता दें, सर का जो काम है वह खेती किसानी का है, और साथ में वह थोड़े बहुत पशु भी रखते हैं और अपने घर पर ही ब्रीड तैयार करते हैं और पशु सेल करते हैं, और दूध का भी थोड़ा बहुत काम है। तो यदि कोई भाई इन पशुओं को लेना चाहता है या इनमें कोई इंटरेस्ट रखता है तो वह सर से कांटेक्ट करें। तो सर, आप अपना जो मोबाइल नंबर है वह हमारे दर्शकों को बताइए। मोबाइल नंबर 8140813644। हाँ सर, ठीक है, जो आपने मोबाइल नंबर बताया है वह हम स्क्रीन पर डाल देंगे। यदि कोई भाई यह दोनों भैंस लेना चाहता है या इनमें से कोई भी एक भैंस लेना चाहता है तो वह सर से संपर्क कर सकता है। और आपको जो सर का डेयरी फार्म है वह भी दिखा दें। इन्होंने लगभग
कुछ ही दिन पहले 7-8 महीने पहले यह फार्म बनाया है और ऊपर इन्होंने जो सीमेंट सीट ना डालने की वजह सीधा लेंटर ही दिया है और इस साइड जो इनके थ्रेसर ट्रैक्टर ट्राली है वह रखे रहते हैं और एक साइड में लगभग इनकी 8 भैंसें बांधी जा सकती हैं। तो सर इसकी थोड़ी वो बताइए कि कितने बाय कितने में आपका ये शेड है? ये अपना 40 बाय 25 का है लंबाई। अच्छा, इसकी जो लंबाई है वह 40 फीट है और चौड़ाई है वह 25 फीट, जिसमें से एक साइड जो पशु बने हैं वह चौड़ाई लगभग कितनी होगी? 11 फुट के करीब वह चौड़ाई होगी और इस साइड भी 11 फुट के करीब चौड़ाई है। यदि कोई भाई या सर डेयरी फार्म की शेड बनाना चाहता है तो इसकी वीडियो भी हम डाल देंगे। बहुत ही अच्छा जो खुला हवा वाला शेड है वह सर ने बनाया है, आप देख सकते हैं ऊपर पंखों की व्यवस्था भी की हुई है और सर के पास एक गाय भी है लेकिन यह वो घर पर दूध पीने के लिए रखे हुए हैं, इसे सेल नहीं करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।